हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं Fears to Fathom का एपिसोड 4 खेलने के लिए। Hey fellas, welcome back। मैंने इस एपिसोड की बहुत तारीफ सुनी है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि इसकी स्टोरी क्या है, और यू नो डरने के लिए तैयार हो जाओ फिर से, क्योंकि इसमें एक हैप्पी एंडिंग होती है लेकिन मैं इतनी ठोकरें खाता हूँ कि मैं बैड एंडिंग पहले लेता ही लेता हूँ, तो ना कोशिश करते हैं उससे बचने की। बट यू नो बैड एंडिंग देखने में मजा भी आता है, उसमें जंप स्केयर्स होते हैं। तो लेट्स सी इसकी स्टोरी क्या है। जैक नेल्सन, तो जब मेरे को ना समरी पता होती है तो थोड़ा सा पता रहता है कि चल क्या रहा है। तो एक 24 साल का फायर लुकआउट का बंदा है, लाइक जो फायर को देखता है, टावर में रहते हैं, जो नो सिक्योरिटी टाइप। तो उसको ना एक न्यू पोस्ट पे भेज दिया जाता है किसी और लोकेशन पे, और वहां की लोकेशन पे यू नो कुछ पंगा होता है, तो बस यही देखना है। ओके, हमारा नाम है जैक इसमें, और आज की एपिसोड का नाम है आयरन बार्क लुकआउट। हे, आई नोटिस्ड यू वर रिक्वेस्टिंग स्टोरी सबमिशंस व्हाइल आई वाज वाचिंग अ यूट्यूब प्ले फियर्स टू फैदम कार्सन हाउस। ये तो What I'm about to recount happened when I was 24 or so at the time. तो इसे गेम खेलते खेलते लगा मैं अपनी स्टोरी भी डाल दूं, फेमस सा हो जाऊंगा थोड़ा बेटा। इट फील्स काइंड ऑफ वियर्ड टेलिंग एनीवन अबाउट दिस बिकॉज ऑफ द बिजार एंड अब्सर्ड नेचर ऑफ द होल थिंग, बट आई फील लाइक डूइंग सो माइट हेल्प मी प्रोसेस माय मेमोरीज ऑफ इट। आई न्यू दैट शेयरिंग द स्टोरी एनीवेयर एल्स वुड बी अ डंब आइडिया बिकॉज पीपल वुड से आई वॉज लाइंग। एज आई एम राइटिंग दिस, दिस वॉज द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। यार लोगों के स्केरियस्ट एक्सपीरियंस बताओ, ऐसे ऐसे होते हैं। मे बी वी आर जस्ट द लकी वंस, जिनका स्केरियस्ट एक्सपीरियंस क्या होगा अगर तुम सोचो तो। लाइक मेरा कुत्ता पड़ा था पीछे एक बचपन में, मे बी वो, तभी शायद कुत्तों का डर है मेरे को, या फिर वाओ आई गेस हम लोग लकी लाइफ जी रहे हैं बहुत। नहीं ना, हम लोग एक्सप्लोरर भी तो नहीं है ना, किसी भी जगह जाके कुछ भी करने लग जाएंगे यू नो वेस्ट लोगों की तरह। चलो जो भी है, आई होप फ्यूचर में ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना आ जाए कि मैं भी यहाँ फिफ्थ एपिसोड मैं ही लिख रहा हूँ। हेलो, मैं चौथा एपिसोड खेल रहा था, उसके बाद मेरे साथ ऐसा कांड हो गया, लो मेरी भी स्टोरी लिखो। ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम जैक नेल्सन, हैड अ स्मॉल जॉब एज अ पार्क रेंजर इन द स्टेट पार्क। पार्क रेंजर वो पार्क के रखवाली करते हैं जो, ऐसा कुछ। आई वॉज अ फायर लुकआउट स्टेशन इन वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। हाँ, फायर की देखभाल, फॉरेस्ट में आग वाग लगती होगी तो ये बताते होंगे कुछ। माइल्स एंड माइल्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट्री सर्विस। आई हैड अ सैलरी दैट अलाउड मी टू मेक एंड्स मीट, बट आई कुडंट अफोर्ड टू ट्रीट माई सेल्फ टू रेस्टोरेंट्स, नाइस क्लोथ्स एक्सेट्रा। ऐसी जगह पे हम सोचते हैं कि क्यों ये जॉब करेगा कोई, राइट? लेकिन वो होती होगी यू नो मजबूरी, कि तुम्हें सिर्फ यही एक जॉब प्रोवाइड मिल रही है, वरना तुम कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तभी तो करते हैं लोग ऐसी जॉब्स। माय बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट सो फार वाज बीइंग एबल टू बाय एन आरवी फॉर माय सेल्फ विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम माय डैड। लॉट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, इसका मतलब डैड तो एकदम मस्त मक्खन जिंदगी जी रहा है, बेटे को पटक दिया बाहर कि बेटा तू असली दुनिया का स्वाद ले। ये भी अपने में एक एक्सपीरियंस है, अगर पीछे से डैड का हाथ है तो फिर ये सब हरकतें कर सकते हो तुम, यू नो एक एक्सट्रीम kind of situation mein jeena। That RV was the only sense of home I had at the time. This one time I was transferred from one outpost to another because of some official circumstances. It was a minor inconvenience to me though, since I lived out of my RV and liked traveling. I said a few goodbyes and I was off to the new location. It was about a 2-hour drive. Alright, chalo hai. Badhiya sunset wagaira ka time hai. Shaam ho rahi hai. अरे वाह, आरवी चला रहा हूँ ना मैं तो। वॉल्टर व्हाइट, ओ अबे भाई अभी से ही कलेस हो जाता। आई ले, इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है तो हम एंजॉय कर सकते हैं पार्टी को। क्या कुछ आया? और भाई मैसेज पढ़ ला पहले। आई लिव्ड अ वेरी सॉलिटरी, बस सर्दियां हो गई ना यहाँ पे तो मेरी थोड़ी हालत खराब है, पर गेम खेलने से कोई रोक थोड़ी सकता है हमें। हाँ बस म्यूजिक ही बंद करना चाह रहा था मैं। तो कौन कौन है जरा स्टोरी समझे थोड़ी सी। तो एक है ये कायला नेल्सन। दिस न्यू रीजनल मैनेजर इज सच अ जर्क, ऑनेस्टली समटाइम्स आई विश आई हैड अ जॉब लाइक यू, वेकिंग अप इन नेचर अवे फ्रॉम पीपल एंड जस्ट गेटिंग पेड टू वॉच द विंड गो बाय। आई मीन बात तो सही है पर ये ना ये वही होता है 4-5 दिन का भाई, उसके बाद तो पागल हो जाते हो तुम। नेचर कितनी ब्यूटीफुल हो, डरावनी भी तो है। विश माय जॉब वाज रियली दैट इजी के, आई एम ऑनेस्टली डन विद दिस जॉब, प्रीटी श्योर जॉइनिंग माय नेक्स्ट सेशन। हे हे, लाइक आई सेड यू आर ऑलवेज वेलकम हियर, लेट मी नो इफ यू नीड मी टू टॉक टू जॉश, इट्स डेफिनेटली द टाइम फॉर अ चेंज। स्पीकिंग ऑफ चेंज, आयरन बार्क, दे आर स्टाफिंग मी टू आयरन बार्क नेक्स्ट मंथ।
the one after Roseburg. Yeah, heard they got bigger staff cabins and less campers. Call me. With that, I'll call you back. How is it looking? Still on my way. Van decided to pull a flat tire on me today out of all days. Isn't it late? If I don't starve to death before arriving, I'll be fine. Did you pass Roseburg yet? No, why? Oh, prank karenge ya ye mere saath aa rahe hain. अबे इन्हीं का तो कुछ ड्रामा नहीं है वहाँ पे, कहीं ये मर्डर वर्डर करते हो आयरन बार्क में. और ये है मिच स्कॉट. मैं वेट कर रहा हूँ किसी गाड़ी के आने का. ये करते हैं ऐसा, जब मैसेज पढ़ रहे हो पीछे से ठोक ठाक दी. गलती भी नहीं, इस बार मैं सही लेन में खड़ा हूँ एक्चुअली ना, यू नो साइड कर लूँ थोड़ा सा. इनका कोई भरोसा नहीं है. साइड लगाओ भाई. I wasn't very proud of my driving. अबे भाई मैं तेरे को साइड लगवा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा गड्ढा सा आया हुआ. Congratulations on the transfer, feeling ready for the change. Just reaching to you to tell you that you have been assigned Tower 11. Welcome on board. This is Mitch, by the way, from Iron Bark. Thank you. Heard a lot about you from Josh. Very excited to meet you soon. Just got my ID today. Your shift starts on 12th. Sounds good. I'll be there. Anything I need to know. तो ये मिच जो है ना, ये हमें टावर बता रहा है हमारा कि हम कौन से टावर पे रुकेंगे. और ये हमारा बॉस वॉस होगा मे बी. Have your papers, just bring your ID. Josh told me the job is not news to you. Can I just ask you one question? Sure. Why did you pick this job initially? Not sure how to answer that. I just enjoy the thrill or the lack of it, I guess. Wow. तो तूने thrill की वजह से लिया बस. है? कुछ लोग होते ही बावले हैं, है? कुछ नहीं कर सकते. थ्रिल और एड्रेनलिन इतना चाहिए होता है ना उन्हें हमेशा ही, कि बस उनका खून गर्म सा रहे और यू नो अपनी सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग रहे हमेशा. थैंक गॉड हमें थ्रिल मेनियक नहीं बनाया गॉड ने, यू नो बहुत सही चीज है ये. क्योंकि हर बार इतनी इनसेन थ्रिल की भूख होना ना अच्छा नहीं है, तुम हरकतें करने लग जाते हो. आई एम सॉरी, आई जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन जॉइनिंग दिस लाइन ऑफ वर्क. पीपल जॉइन लुकिंग फॉर अ गेटअवे और टू डिस्कवर हु दे आर, ओनली टू लीव विदाउट नोटिस. गेस दे आर बेटर ऑफ इन अ क्यूबिकल. टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई जॉइंड आयरन हाउस लास्ट ईयर नॉट नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट द सॉलिटरी लाइफ हैज ग्रोन ऑन मी. फॉर मी आई कांट डू सिटी लाइफ, दिस इज वेयर आई बिलोंग एंड आई एम श्योर आई अडैप्ट जस्ट फाइन टू आयरन बार्क. तो इसे ना अकेले टाइप की जिंदगी जीनी थी, ये भीड़ भाड़ से परेशान हो गया था. गुड, आई होप यू फेयर बेटर देन द लास्ट लेडी. Where can I park my van? So you're arriving on a Friday. Just park your truck around back on the gravel park by gate D. Got it. And from there you'll be on foot. Take the Gold Creek trail. From there it'll take you a couple hours until you reach your... What? Couple of hours? Paddle. Okay, got it. Thanks. Okay, got it. Thanks. अब वो तेरे को couple of hours चलने के लिए बोल रहा भाई. You'll probably see Billy at the gate. Just show him your ID. I guess ये चलते बहुत होंगे. इनके लिए ये normal चीज होगी. निकल लेते हैं. फिलहाल तो किसी ने attack नहीं किया. शाम ही इतनी हो रही है, बादल देखो यार क्या प्यारे. सब लोग सनसेट देखने में बिजी होंगे, अटैक कौन करेगा मेरे पे. ओके आ रहा है ना ट्रक अभी. लेट हो गया भाई तू, पढ़ लिए मैंने सारे मैसेज. आई ऑलवेज लव्ड द ग्रेट आउटडोर्स. कौन नहीं पसंद करता अगर व्यू ऐसा हो तो. लाइक ये इतनी सारी चील क्यों उड़ रही है, वहां कोई बॉडी पड़ी है? ओके भाई गाड़ी चला रहा हूँ मैं अभी, मैसेज मत करो. तूने थोड़ी पता है, बात तो सही है. यहाँ पे मैंने मैसेज देखे तो गलती मेरी होगी, धीरे करके देख लेता हूँ. रिस्क की बंदे है ना, हमें तो थ्रिल चाहिए ना. आई रिमेम्बर देयर्स दिस डाइनर व्हाइल पासिंग रोजरबर्ग, दे हैव द बेस्ट बर्गर्स इन टाउन, यू हैव टू ट्राई देम आउट. आई कुड रियली यूज अ गुड मील बिफोर द स्टाफिंग स्टार्ट्स. थैंक्स. ओके बर्गर शॉप मिलेगी. आई मीन ऐसी किसी शॉप पे बीच में रोकते ही है जो यू नो डरा सके थोड़ा सा कि भाई यहाँ ध्यान से. भाई तो घर आ गए, बस यही लगा दो. भाई रुकी नहीं रही, मैं ब्रेक मार रहा हूँ. घटिया कार. पार्किंग लगाना तो कोई मेरे से सीखे. बढ़िया बेटा, 10 चलान ठुकेंगे तेरे. हेलो भाई साहब, की हाल चाल? बर्गर इंजॉय कर रहे हो आप? हाउज दैट बर्गर? दिस लिटिल पीस ऑफ हेवन, दिस प्लेस इज प्रिटी मच माई वीकेंड स्पॉट. यू न्यू अराउंड हियर? जस्ट हैव अ सेफ जर्नी. एक्चुअली इसे बताना चाहिए, आई एम फ्रॉम रोजबर्ग, दिस प्लेस इज प्रिटी मच माई वीकेंड स्पॉट. यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज देन. Well, a few weeks ago, 3 kids went missing in the park. It's been all over the news. No one knows. The official report says they got lost, but a lot of people think around here think something else happened. There's a rumor going around that a creature got them. Yeah, you know, like Bigfoot or a goat man. People say there's something like that living in the forest. Do you believe it? A lot of hikers and campers go missing in that forest. Some of them come back with stories you would not believe. Some of them never came back. Oh, music chala bhai sas. Music se chala diya darane ke liye. Khair ye to hame pata tha, aisi cheeze pata chalengi hame yahan aake. Maine ye light jali chhod di, battery nahi phuk rahi hogi. Kahin pata chale ye chale hi nahi bhai, dhakka lagwana pade.
वेलकम टू ट्विन रिवर डाइनर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक नहीं लग रही, चल क्यों रही है अभी भी, रुक जा। हाउ अबाउट यू? फील फ्री टू टेक एनी सीट यू लाइक एंड आई विल बी राइड विद यू। तो हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। प्लीज लीव मी अलोन। ओके, ये तो सेंटा क्लॉस लग रहा है। अबे ये बहन जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। How is the food? Do you mind if I join you? Pretty long day at work, huh? Uh-oh. He just stared at me. तो उसे join क्यों करूँगा मैं जब वो भाई खुश ही नहीं है मेरे से? उसका भी जवाब नहीं दिया। अरे वाह। If we don't go on too much detail about that story, अच्छा। मैं बड़ा रोक के बैठा था, तू बता दे यार, मैं तेरा मेन कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे को बता दे, सुसु सुसु आती है तो। वाह भाई, बंदा इतना रोक के बैठा था। टॉयलेट वगैरह रोकना नहीं चाहिए भाई, नुकसान अनहेल्दी होता है। तेरे को अकेले लाइफ जीनी थी, इसका ये मतलब नहीं है, बिल्कुल ही मतलब अनहेल्दी लाइफ जिएगा। इतना भी शाये क्या? मैं मालिक हूँ इस स्टोरी का, मैं गाने चेंज कर सकता हूँ। वो ये कप भी ऐसे पी रहा है कॉफी अपनी। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। You look a little lost. This place has some great coffee if you are in the mood for one. As you can see, I usually go for vanilla latte. So where are you headed? Starting my new job at the nearby state park. That's none of your. Ah, that's great. I didn't know these jobs still existed. I work in finance. I'm a financial analyst for a big firm downtown. Yeah, it's challenging, but I enjoy it. It keeps me busy, that's for sure. I don't think I could handle a job like that's impressive. Yeah, I guess so. I can be a bit of a roller coaster sometimes, but I don't hate what I do. I mean, मेरी choices matter नहीं करती जब मैं बात कर रहा होता हूँ, you know? तो इसीलिए मैं सबको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। अगर ये यहाँ पे आराम से कॉफ़ी पी रहे हैं, ब्रेड व्रेड खा रहे हैं, क्या ही करेंगे ये बेचारे मेरा। Long day of driving, huh? I am heading up north to make a delivery. What about you? So is it true? Whatever they say happened to those kids the other day? I can't even imagine what the parents must be going through. It's very every parent's worst nightmare. सबको kids वगैरह के बारे में तो पता ही है क्या scene है। Good evening, I am Barbara. Are you ready to order? Yes. So what can I get for you today? Cheeseburger with fries. सबसे अनहेल्दी मील। यस श्योर, आवर बर्गर इज द बेस्ट इन द वेस्ट। वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक? ये परफेक्ट, एनीथिंग एल्स? ये एग्जैक्टली वो ऑर्डर है, अगर मुझे चॉइसेस मिलती ना मैं यही ऑर्डर करता। दैट विल बी ऑल, थैंक यू। ग्रेट, आई विल ब्रिंग द फूड आउट एज सून एज इट्स डन, जस्ट लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। साउंड्स गुड, अप्रिशिएट इट। कोई सस्पिशियस चीज फिलहाल तो हो नहीं रही। मैं तुम में से ही तो नहीं करता कोई मर्डर वहां पे। बताओ भाई, कोई इशारा दो मुझे। मैं पुराना खाना तो नहीं दे दिया, बट जल्दी आ गया, प्रायोरिटी कस्टमर हूं मैं। पटक रही है भाई, तमीज ही नहीं है, आराम से गिर जाता तो। रोबोट की तरह खा रहा हूं मैं खाना। और तूने चटनियां तो ली नहीं, बिना चटनी के सादा ऐसी खा गया। भाई खाना भी नहीं आता, फ्रेंच फ्राइज के साथ तो चटनी लेता कम से कम। अबे ये चटनी कौन खाएगा फिर, वेस्ट करवा दिया तूने। मेरे को मेंटली अनस्टेबल समझेंगे वो, कि तीन चटनियां धरी एक भी नहीं छुई इसने, चटनी खाएगा। ले चल जेब में धर ले, रास्ते में खा लियो। वैसे भी तू आर्मी वाला है, तेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। आ रही है लेडी भाई, चटनियों के लिए सॉरी। डिड यू एंजॉय द फूड? या इट वॉज ग्रेट। वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग एल्स और शुड आई जस्ट गेट द चेक? चेक प्लीज, थैंक्स। अब अपने स्टाफ के सामने जाके ना बेइज्जती करेगी मेरी ये। देख उसने तीन चटनी धरी थी, मैंने कुछ भी ना खाया, क्या गवार इंसान है, उसे खाना ही नहीं आता, पहली बार आया होगा या बर्गर खाने। Here's the check, your total is $6. अमेरिका मूवमेंट, ऑब्वियसली ये टिप वाला ड्रामा करेंगे। अगर मैं $6 करूँ तो मर्डर कर देगी ना मेरा आयरन बार्क जाके, है ना? तेरे को पता तो नहीं है बेटा, तू पूछेगी पर यहाँ से। ये हरामजादे तो बड़ा कंजूस था, कहाँ जा रहा है ये? अरे इनमें से कोई बता देगा आयरन बार्क, तू आएगी रात को फिर मेरा मर्डर करने ना। मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है यार, समझा कर, पर ये गेम है इसलिए तेरे को मैं ज्यादा टिप दे सकता हूँ, ताकि बस तू मेरा मर्डर ना करे। इनकी सर्विस वैसे ठीक है, फास्ट थी। हाँ ठीक है, चल ये ले, एंजॉय, थैंक्स फॉर द जनरस टिप। या स्माइल कर लेती थोड़ा और 15% ही देनी चाहिए थी तेरे को। खड़ूसी है थोड़ी, पर तेरी सर्विस स्पीड अच्छी थी। गाने चेंज करके जाऊंगा फिर भी मैं। चलो भाई वेलकम बैक,
यार कितना बढ़िया वेदर हो रहा है। वो बंदा अभी भी अपने बर्गर में लगा हुआ है भाई, समझ गए टेस्टी है पर फिर भी उसे क्या चाट चाट के खा रहा है, मुंह से चबा के खा, ये जीभ से ऐसे चाटने लग रहा है क्या बस उसे। चलो भाई जॉब पे चलते हैं यार, कहीं पता चले पहले ही दिन लेट हो जाओ और जॉब से निकाल दें वो। वो ये तो बहुत तेज आ रहा था भाई। चलो पहुंच गए आई थिंक। या आई वॉन्ट टू इंक्लूड द लोकेशन ऑफ दिस पार्क बट आई डोंट वॉन्ट एनी वन सीकिंग आउट द अटर हॉरर्स आई हैव सीन इन दीज वुड्स। हाँ ये तो असली की जगह है ना ये, उसने गेट डी बोला था, यही है गेट डी। इनको यार बड़े बोर्ड लगाने चाहिए भाई, दिखता तो है नहीं इनके टेक्स्ट वगैरह। ओ भाई साहब, तो जैसे ही मैं मेमोरीज खेल रहा हूँ ना वो उसी हिसाब से स्टोरी चेंज कर रहा है अपनी। इसने बोला ना आई ड्रोव माई आरवी टू द फुट रेल, तो ये मेमोरी में पहले हुआ नहीं था लेकिन मैंने कलेश कर दिया। अबे अटक गए, और हम कहाँ अटक गए ये भाई, पता नहीं चल ही नहीं रही है ये। वो भाई डरा दिया भाई पागल, ऐसे कौन करता है, मेरे को धप्पा करने के लिए पूरा रेडी था ये। यू स्केर्ड मी, आई थॉट यू वर वन ऑफ देम, वन ऑफ हु, मे लॉर्ड हैव मर्सी। Anyways, can I see your permit, please? Oh, I'm not a camper. You're Billy, right? I am the new transferred fire lookout. Is that correct? I didn't know you were hiring this season. Hang on, let me check on that. Oh, bhai, phaad di tune pagal sheriff? Kya, bhai, bawla insaan yahan chupke baitha tha. Main bhi andar ghus gaya yaar. Knock karna chahiye tha. Okay, pal, you are good to go. You're stabbed at Fire Tower 11. I apologize for the confusion. I was under the impression that the tower would be left unstable for the season, unstabbed for the season, but here are your keys. Let me open the trail gate for you. Ye wala bhi to khol. Since you are arriving this late, you might also need this flashlight for the long hike to your lookout. You'd be careful. Take this. Okay, flashlight mil gayi. Welcome to Ironback, pal. Now for our purposes, when you get to your tower, be sure to make your first weather report from your system just so we know you clocked in safely. If need be, you can reach out to Tower 12 during your staffing, nice enough guy. He'll be your closest contact in case of any emergency. Theek hai bhai, thank you. Hey, just a piece of advice, don't travel any further than half a mile or so north of your tower. Why? Dangerous woods that way, pal. Bobcats and bears. Nasty business. You got it. I thought he was trying to scare me, but he looked dead serious. अबे मेरी कार तो आगे चल ही नहीं रही ना, पर अटक गया हूं मैं कहीं। उसे बुलाना पड़ेगा, धक्का लगवा दे भाई। अटक गया मैं, स्लाइड तो कर रही है मेरी कार। हाँ 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 हाँ, खुलेगा, अटकेगा, पता नहीं कहाँ अटकी पड़ी है वैसी। अभी तो डेंजर जोन में पहुंचे भी नहीं है हम, आरवी ने पहले ही धोखा दे दिया मेरे को। रीस्टार्ट कर रहा हूँ भाई, अटक ही जा रही है ये, क्या बकवास है। अच्छा उधर अटक रहा है क्या। डू नॉट एंटर, आई ड्रोव माई आरवी ऑन टू द फुट रेल। ओ भाई साहब, तो भाई मचा दी बिल्कुल ही। और वो डराता भी तो है थोड़ा सा, मैं भी तो डराऊ उसे कि कौन बावला आ गया है आज। चलो भाई, मिसिंग पर्सन, तो ये वो किड्स है। प्लीज स्टे ऑन द ट्रेल, स्विच बैक शॉर्ट कटिंग, प्लीज डोंट लिटर। आई गेस मेरे पास ऐसे सिचुएशन आ जाएगी कि मेरे को फॉरेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। अब मैंने गेट खोला, वो आ क्यों नहीं रहा, वो डराता है जानबूझ के। बेटा इस बार नहीं डरा, मैं तेरे मुंह पे चढ़ गया बिल्कुल। आई थॉट यू वर वन ऑफ देम, ये वो बोल रहा है, तो इसका मतलब उसने सोचा कि कोई कौन बढ़ गया। एनीवेज अबे बात क्यों चेंज कर रहा है, मुझे बता दे भाई पागल। तो ये भी डर के बैठा, इसकी भी फटी पड़ी थी भाई। तो वन ऑफ देम इसका मतलब बहुत सारे है वो। ओ बेटे, ये नॉर्थ में जाने से मना कर रहा है मेरे को। भाई नॉर्थ का पता कैसे चले, कंपास है मेरे पास कोई। अबे यार इतनी सी जगह दी आरवी घुसाने की, बताओ। मोटी कार है मेरी, थारी तरह गरीब ना हूं मैं, ना गुजरी भाई कार मेरी। रुको सेट करना पड़ेगा पूरा। अबे यार ये बकवास क्या है भाई, फिर कहां अटक, मैं अटक कर रहा हूं मैं, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं यार, रोड है ये तो प्रॉपर। अबे यार कितना अनोइंग है ये भाई, ये कहीं चाहते हो कि मैं आरवी लेके ही ना जाऊं, लाइक आरवी यहीं पे लगा दूं मैं, एंड देन पैदल जाना है मेरे को वहां से। मे बी वो टॉर्च अभी तो देता है, आई डोंट थिंक ये आरवी ले जाने देंगे मेरे को, मेरे को यहीं पे खड़ी करनी है ये आरवी। आई ड्रोव माय आरवी ऑन टू द फुट ट्रेल, ये फुट ट्रेल है वो,
मैं फुट रेल पढ़ रहा था बार बार उसे, मुझे लगा यहाँ पे कहीं कुछ। ओह गॉड, ये फुट रेल है, इसका मतलब वो लाइक यहाँ पे मेरे को पैदल चलना है। ओ भाई साहब, तुम लोग 10 मिनट से डंप चिल्ला रहे होगे मेरे को। भाई देखो, मैं प्रॉपर हाइकिंग करने गया नहीं हूँ कभी, ठीक है? और ऊपर से ऐसे गेट वेट यार तभी लगा के रखते हैं, बताओ। ऐसे भी ऐसे तो मैं उलाग के भी चला जाऊँ, मुझे लगा गाड़ी ले जानी है यहाँ तक। ले जा के देखूँ क्या, ले जा नहीं सकता वैसे मैं, मुझे तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को वहीं खड़ी करनी थी जहाँ पे ये आरवीज खड़ी है। रेल गेट ओपन करने की जरूरत क्या है भाई, हम तो नीचे से चले जा। लाइक इसने ये पूरा गेट ओपनिंग वाला सीन हुआ ना, तो मुझे लगा आरवी लेके जानी है। जाता हूँ ट्राई, एक बार और ट्राई तो करूंगा मैं, कोई रोक सकता है मुझे? ये इतनी जबी तो मैं कहूँ गेट की इसने दोनों क्यों नहीं, ना 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 ना, ठीक है चलो भाई। आई वॉज गोइंग टू बी ऑन फुट फ्रॉम हेयर, ला चलो भाई। आई गेस हम लोग पैदल जाने वाले हैं, हमें डर नहीं लगता। कपल ऑफ आवर्स बोला था वैसे इन्होंने, ठीक है। नो बाइक्स ओनली हॉर्सेज, स्टे ऑन द ट्रेल, आई लेफ्ट माई बैग इन द आरवी फर्स्ट। भाई तू शॉर्ट गन ले रहा है यार, मेरे को भी दे दे एक, जब तेरे को पता है डेंजरस है इलाका यहाँ पे। नहीं, कहाँ पे है मेरा बैग? ये गॉट इट। क्या मैं ये गेट खोल सकता हूँ अब? काम कर रहा है भाई, काम कर रहा है। मेरे को था गेम वेम खेलने लगा होगा अंदर बैठ के। इसकी शॉर्ट गन कहाँ गई, कहाँ रखी तूने अपनी शॉर्ट गन? जब इसने मिसिंग चिल्ड्रन की बात सुनी और इसने इससे बात क्यों नहीं करी फिर, है प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो रख। बेयर्स वगैरह की भी बात करी उसने। 11:32, ओ भाई साहब आ गए भाई। टावर 11 फ्रीक्वेंसी, ये तो नहीं है आई थिंक, यही है? नहीं, ये इतना घटिया तो नहीं हो सकता, बड़ा सा होगा भाई साहब। बताओ ऐसी जगह क्यों जॉब करोगे यार तुम, रात को जा रहे हैं 11 बजे। गोल्ड क्रीक ट्रेल, अपनी ट्रेल पे रहो भाई, अपने टावर पे रहो। इज नॉट अ ग्लैमरस जॉब भाई, जॉब तो अच्छी है ही नहीं है। इमेजिन बीइंग आउट हियर अलोन फॉर वीक्स एट अ टाइम, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, आई एग्री। यूटिलिटी शैक है वहाँ पे, ओके कोई नहीं है। बट आई हैव ऑलवेज हैड फॉन्डनेस फॉर द आउटडोर्स, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग होते ही बावड़े हैं। आई असेंड द स्टेयर्स ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। Once you are top of the tower, your job is to look for fires or anything out of the ordinary. Yay, finally home. Cabin was filled with the aroma of wood, giving me a sense of comfort. Okay, pehle to system forgot to turn generator on at first. Ye kya baat hui? जनरेटर कहाँ पे है? पीछे ये नहीं, गीजर है तो, गीजर है। यूटिलिटी शैक में नीचे जाना पड़ेगा क्या? प्रॉबेबली वो रहा दूसरा टावर, वहां पे दूसरा बंदा है, नीचे ही होगा जनरेटर तो। अये डन, और अंदर तो नहीं जा सकता मैं। यूटिलिटी शैक में कोई नहीं है ना बेटा, वहां पे देखना कलेस होंगे अभी थोड़ी देर में, कलेस होंगे वहां। मैं तो कह रहा हूँ टावर में बैठ रहा भाई, तू सुबह देखियो जो भी देखना है। ओके सिग्नल दे देते हैं कंप्यूटर। ओ भाई साहब क्या है ये, स्टार्टिंग रेनबो, अरे वाह। पासवर्ड क्या है मेरा? चेक द आयरन बार्क रूल्स फ्लायर। ओके रूल्स, अरे वाह इसे फेंको, काफी चीज यूज कर सकते हैं, काफी बड़ा एपिसोड है। रूल्स फ्लायर कहाँ पे मिलेगा? ये क्या? कंपस है भाई, कंपस दे रखा है इन्होंने, सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है वैसे तो। ऑसबॉर्न फायर फाइंडर इज लाइक अ जॉइंट कंपस साइज ऑफ अ पिज्जा। व्हाट, फ्लैशलाइट तो यहाँ भी रखी है। ओह वी यूज इट टू स्पॉट द फायर ऑन द मैप। ओ बेले भाई तेल गेर दिया, मैं आग लगवाऊंगा यहाँ, और कुछ ना है। लाइट्स आउट आफ्टर 12 PM, सप्लाई ड्रॉप्स आर हैंडेड आउट एवरी संडे, सिस्टम पासवर्ड इज आयरन बार्क टावर नंबर। ओके आयरन बार्क 11, ओके
फाइनली लॉग इन हो गया भाई, एम्प्लॉई ट्रेनिंग। हेलो देयर, इट्स स्माइली, योर ट्रस्टी वर्चुअल असिस्टेंट, हेयर टू हेल्प यू मेक मोस्ट ऑफ योर कंप्यूटर टुडे। सर्विस रिपोर्ट कर दे पहले। अरे वाह, ये क्या है? ओ Who is this? Connor, Fire Tower 12. I saw your light turn on. Thought I was going to be alone out here. You were watching? Isn't that the job? I've had to cover your area until you arrived. Wow. Anyways, what brings you to this towering paradise of ours? इसमें voice है और मैंने अभी notice किया, ये बढ़िया है. Just looking for a change. Okay. Okay. No. Get her lit. The temperature's about to plummet. You don't want to sit through the storm shivering. Got it, thanks. I don't see the smoke. Did you light it up yet? Wood stove should be around the entrance. Get her lit. तेरे को इतनी चिंता क्यों हो रही है मेरी? वुड नहीं होंगी, मेरे को लेके आनी पड़ेंगी बाहर से। ट्रेल मैप दिखा। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा है। टावर 11 यहाँ हूँ मैं। टावर 12 कहाँ है? टू टावर 12। अबे ये तो बहुत बड़ा है सही में। ये मेरा एरिया है क्या भाई साहब? वेलकम टू आयरनबार्क स्टेट पार्क। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन लेट मी बी द ये जैकसेप्टिकाई की वॉइस है। फर्स्ट टू से कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन कमीशनड बाय द आयरनबार्क फायर डिपार्टमेंट। कीप वॉच फॉर फायर, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डेली टेंपरेचर, यूज द एनेमोमीटर टू साइंटिफिकली गैदर द डाटा। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा, इनपुट इट इनटू आवर स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस रिपोर्टिंग फॉर्म। दिस इज अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, ऑफ्टन यूज्ड बाय नासा एम्प्लॉईज। यू हैव द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग सच अ फॉर्म। नॉट एवरीवन विल गेट इट ऑन फर्स्ट ट्राई। ऑल राइट, तो इन्होंने थोड़ा सा वो बताया। कैट्स, ओके, सारी वीडियोस ऐसी अजीब सी क्यों है? ओ ये पेंटर, ओके, नॉट इंटरेस्टेड, बकवास वीडियोस, ओके। अरे ठीक है भाई, क्या यार, ये तो बिल्कुल ही बंदा चेप हो गया भाई। तो इसमें क्या ये डालूं मैं? अबे भाई आग लगा दूंगा मैं तो। There is no firewood. No firewood. There must be plenty in the shack. That's all Marley did. The staffer who was in the lookout before you. She was one gritty woman. Anyways, you better get that fire going. You don't want to sit through the storm. Gasoline must be in your cabin. But if not, you can always grab your supplies from the storage shack. All right. पर पहले मेरे को यार वो नहीं करनी चाहिए। खैर वो तो मुझे पता ही था, ये लोग मेरे को डेफिनेटली वहां तक यूटिलिटी शैक तक तो लेके जाएंगे ही, वुड वगैरह के लिए लेके आते हैं वुड, डरते थोड़ी हम। और अभी तो बहुत चांदना सा है, और ऊपर से नॉर्थ जाने के लिए मना किया था ना, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाइनोक्यूलर सब कुछ है यहाँ पे तो, ओके। और गैसोलीन है ही मेरे पास, ओके। प्लेस करा, गैसोलीन लगा दी। अब ये आग तो मैं ही लगाने वाला हूँ यहाँ पे, मेरे को लग रहा है। गैसोलीन डालो, थ्रो करो इसे यहाँ पे, ये ऐसे अभी है ना, ओके। बहुत डाल दी भाई, यदि आग ही लग जाए सही में बहुत बड़ी ये बात। चलो भाई नीचे भी आग लग रही है क्या? कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ यार, ये तो बहुत हड़बड़ी बचा रहा है यार, ये कैसा बॉस है। ओके सबसे पहले टेम्परेचर देखो भाई, दिख ही नहीं रहा, इसे बंद करो। अबे अंधा कर दो यार मुझे। हाँ थैंक यू। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ना, 42 समथिंग, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और विंड के लिए ये यूज नहीं, एक्रोमीटर कहाँ गया वो जो बताया गया था? ये रहा, बाहर जाना पड़ेगा ना इसके लिए। तो 17 सही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 17 नॉट्स पे विंड चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। फिल कर देता हूँ मैं। ये रहा डेट, ये ठीक है।
और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 45, विंड स्पीड इन नॉट्स इज 17. कंडीशन कैसी है? क्लियर ही बोलेंगे राइट? क्लियर ही है. नंबर ऑफ हाइकर्स असिस्टेड 0, रिपोर्टेड बाय, क्या नाम है मेरा, जैक. डन. समथिंग डिडंट लुक राइट. क्लाउडी, मिस्ट, इन्हीं में ही कुछ गड़बड़ होगी. विंड, रेन, कुछ तो होगा. क्या गलत है इसमें? व्हाट? ओके, ये भी 45 ही है यार. 45 ही तो हुआ वो. 40-60 है बीच में. नहीं, बीच में नहीं आ रहा यार वो. बीच के भी बीच में आ रहा है, मतलब 43. तो ये 43 है क्या? कॉम्प्लिकेटेड तो है थोड़ा सा. एक मिनट ना, बहुत क्या बोल रहा है तू भाई, आग लगा रखी है मैंने. ये क्या है? plague.exe, प्ले गेम. अरे वाह, टाम, ये है मेरे टाइप का. भाड़ में गई नौकरी. गेमर है हम. कैसे ज़ॉम्बी पकड़ भी नहीं पाते, साइड से निकल जाता हूँ मैं उनके. लास्ट रह गया तू भाई. नहीं, आई गेस नहीं. व्हाट? ओके, बस बहुत हुआ, बस खेल लिया हमने. इसमें क्या है? फॉर कमांड इन्फॉर्मेशन टाइप हेल्प अपडेट. ले, मेरा कोई भी टेम्परेचर नहीं ले रहा है. मैं क्या गलती कर रहा हूँ? मैंने टेम्परेचर सही से नापा तो है ना. जूम करो जरा. ये फ़ारेनहाइट तो है. 40-50 जा रहा है वो. तो दो दो का हुआ ना ये. 42, 44, 46 है वो. गलत तो अब भी बता रहा है ये. The temperature was 44.3. ओ बेटे, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था. मेरे को लगा ऐसे करना. 44.3. अरे ले भाई. I wasn't sure if I had put in the right weather condition. La, weather condition भी खराब है. Clear है फिर. अरे वाह, कमाल ही हो गया भाई. मुझे नहीं पता था, मैं क्लिक करके देख सकता हूँ उस पे. मुझे लगा वैसे करना पड़ेगा. डू यू कॉपी न्यू गाय? यस. भाई पहले दिन था जॉब का. खैर मेरे को तो, मैं तो न्यू ना भाई, इसे ही तो एक्सपीरियंस है. मैं तो न्यू हूँ. डोंट लेट द बेड बग्स बाइट. यस श्योर. ये अभी भी लगा ही पड़ा है, आई डोंट सी अ स्मोक में, पागल. चलो भाई सो जाए हम भी. चलो भाई बेड पे जा रहा हूँ मैं भी. गुड नाइट. 3:26, अब होगा कलेश शुरू. हाँ, emergency situation. I had to pee. Emergency situation है भाई ये. अबे पी कहाँ करेंगे? और हम सोचने वाली बात है. Where is my torch? भाई टॉर्च तो है ही नहीं मेरी. On my first night being out of my cabin gave me a strange feeling. Being left here alone was somewhat unsettling. Oh, नीचे तो नहीं जा पा रहा मैं, तो कहाँ कर? What? ओ भाई ये क्या है? ये खुल जाता है ऐसे? Space to pee. हाँ? अबे अल्लाह भाई! ऐसे करते हैं? ये तो अलग ही thrill है भाई. सही में thrill life जी रहा है तू. किसी के ऊपर ना गिर रही हो बेटा. दुश्मन बनाएगा तू. कुछ दिख रहा है अनयूजुअल? वाओ, वुल्फ की आवाज आ रही है. हाँ भाई कुछ हुआ? कुछ तो बोल रहा था कोई. ला भाई, कॉर्नर तो मर लिया. नाइट टू. अरे वाह, ये ना बात. इट्स जस्ट यू एंड द विंड एंड द टाइम जस्ट मेल्ट्स अवे. ना जिंदा है कॉर्नर. फिर कौन बोल रहा था वो? वहां पे भी देखना, लेके जाएंगे. LMB टू टेक फोटोज. श्योर. ये सुबह का तो भाई व्यू है, मानना पड़ेगा. रात को ही गड़बड़ है. कितनी फोटो लेऊंगा मैं? जूम कर सकता हूँ? कर सकता हूँ. दिख नहीं रहा पर उसमें कोई. गेट ऑफ का मतलब क्या हुआ? तू रेलिंग पे चढ़ा हुआ था यहाँ पे. ओके, यस. Copy that, Connor. What's up? Son of a bitch. Excuse me? Nobody bothers to get a camping permit these days anymore. Do you have eyes on the smoke north of your position? Let me have a look. What the freaky deaky? अबे भाई north बोल रहा है वो. वहाँ पे तो गंदी situation. वहाँ नहीं, वरना ना कोई ना उन्हें camping करने दे तो कोई बात नहीं. The smoke was white.
कितना जूम करूं? हाँ भाई स्मोक तो कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं भाई। अरे मैं तो कह रहा हूँ यार करने दे यार, तू क्यों परेशान कर रहा है उन्हें? कैंपिंग परमिट चाहिए तेरे को? कौन है तू? भी बाहर है क्या? दिख नहीं रहा, वो बाहर होना चाहिए वो भी। ये कॉर्नर मरवाएगा मुझे, बोल दू। मैं बोल देता हूँ, मैंने दिया उन्हें परमिशन हरामजादे, तू ने परेशान मत कर। या आई सी इट, okay heading north, I'll report back on it. Yes, do you have any other details? Is it safe? No additional information at the moment. Just follow Lazy Trail. Keep an eye out for any signs of a campfire or any potential hazards along the way. Okay, heading north, I'll report back on it. Stay safe out there. Don't forget to carry your bear spray if he's wet, new guy. Over and out. Over and out to bol diya tune bhai. North mein bhej raha mujhe drama. Bear spray kahan pe hai fir? Kaun sa hota hai wo? Ye बेयर स्प्रे, यही है ओके। बेयर स्प्रे दिया हुआ है इन्होंने हराम। अबे भाई शॉटगन वॉटगन दे दो। चलो भाई जा रहा हूँ मैं। इज इट सेफ भी बोलता ना मैं तो वो मेरे को मना लेता, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि गेम चाहती यही है कि मैं जाऊँ वहाँ पे। चलते हैं देखते हैं कहीं बात की कैंपिंग साइट चल रही है। ले क्या बोला उसने, लेजी यूटिलिटी। अबे मुझे ना स्टूपिड हूँ मैं, मेरे को टॉर्च की जरूरत ही नहीं है, दिन हो रहा है, मेरे को वो लाना चाहिए कंपास। पता तो रहे मैं नॉर्थ जा रहा हूँ। अबे ले नहीं सकता मैं, ये क्या बात हुई? तो बड़ी बकवास बात है भाई। खैर मुझे स्मोक तो दिख ही रहा है, हमें पता तो है ही एग्जैक्टली जाना कहाँ है। इसमें कोई छुपा तो नहीं है? नहीं कुछ ना पता। क्या मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ फॉरेस्ट के बीच में? नहीं ट्रेल नहीं छोड़नी ना, पर बात तो वही है। गोल्ड क्रीक की ट्रेल, लेसी ट्रेल 3.2 ये है भाई। बेड्स का इलाका है, क्या पागल बनती कर रहे हैं ये। 8:37 PM, इतनी जल्दी शाम हो गई, रात। ओ वेल भाई रात हो गई। आई फॉलोड द ट्रेल दैट लेड मी टू द स्मोक। ले भाई शोर मच रहे हैं। आई गेस मैं किसी को बचाने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ कैंप साइट पे तो पहुंच गए हम, कैंपिंग ही कर रहा था कोई। डिड यू रीच इट? ओवर, रिप्लाई बैक व्हेन यू सी इट। क्या हो गया तो भाई मच की बिल्कुल ही। कोई सीटी मार रहा है उधर भाई। चाकू वाकू कितने वेपन्स तो काफ़ी ले रहे हैं ये लोग, इनके पास अपनी वो भी है टॉर्च भी। मैं ये नहीं छोड़ना चाहता। बेयर स्प्रे उन पे भी तो काम करेगा। ओके उधर तो जा नहीं पा रहा मैं, पानी में जाना है क्या मेरे को? कायाक है यहाँ पे एक, क्या बोला उसने? अबे ये क्या है? अबे ले भाई फोटो ही फोटो। अच्छा ये पिज्जा विज्जा बनाने की रेसिपी वगैरह। आर यू ओके? होप एवरीथिंग्स ओके। इन बंदे को जो भी है कैंपिंग करने वाले, इन्हें साइन नहीं दिखा वैसे बियर वाला। मुझे क्लीन वगैरह करना है क्या ये मेरे को? आई हैड टू पुट इट आउट। समझा, बकेट। इसका मतलब ये भी है कि मेरे को बियर स्प्रे फेंकना पड़ेगा भाई, अचानक से आ गया वो तो। ओके बियर स्प्रे पकड़ो दोबारा, अभी अपने पास ही रखूंगा मैं, आसपास ही फेंकूंगा मैं इसे चेक करने के लिए। ये बड़ा यार वो कंट्रोल बड़ा कम दे रखा है मेरे को। अभी क्या, अभी वापस जाना है मेरे को? मेरा टास्क नहीं पता मेरे को क्या है भाई, नया हूँ मैं जॉब पे। चलता हूँ मैं वापस जा रहा हूँ, आई डोंट केयर। ओ ओ आवाज आ रही थी वहां से। यस यही करना था मेरे को। एज आई हाइक्ड बैक टू माई टावर थ्रू द डार्क, आई कुडंट शेक द सेंस दैट समथिंग वॉज टेरिबली रॉन्ग। My mind couldn't help but think what might have happened. या वो बेयर वाला सिनेरियो जो चिल्ला रहा था कोई, गलती उनकी भाई, उन्होंने साइन क्यों नहीं देखा? अबे कम ऑन, क्रैश हो गई। ओके नहीं हुई। व्हाट? इस गेम के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है भाई। भाई इसे रिफ्यूल करना होता है रोज। शैक में जाऊं मैं यू नो रिफ्यूल करने? सीटी मार रहा कोई, तुमने सुना? ओ भाई डरावना। नहीं रिफ्यूल नहीं हो रहा, अल्लाह ये तो जनरेटर पे गिर रहा है। अबे अभी भी गिर रहा है, देखा सुना सीटी? भागो भाई भागो, डरावना ये तो। एक समझदार इंसान यहाँ पे क्या करेगा? वो सीटी के पीछे जाएगा? नहीं, वो लुक जाएगा कमरे में, बंद कर लेगा अपने आप को। मैं वही करने वाला हूँ। कोई आ तो नहीं मेरे कमरे में? नहीं। चलो भाई सेफ साउंड घर पे। आई हैड टू रिपोर्ट। या टावर 12 डू यू कॉपी? हे कॉर्नर डू यू कॉपी? आई वाज जस्ट कुकिंग माय सेल्फ सम हॉट। वेल फर्स्ट व्हाट्स योर स्टेटस? आर यू किडिंग
What do you mean? Who are you talking about? Has this been happening a lot? तो ये उन बंदों को जानता है जो कैंपिंग कर रहा है, वो जानबूझ के करते हैं वहाँ कैंप. Mention scream. Nothing really. Nothing really. मैंने जा ये दोबारा कहेगा चेक करके आ. नहीं, nothing really. Kids went missing in that area? गलती किसकी यहाँ पे? बच्चों की. ट्रेल से बाहर क्यों गए जब वार्निंग दे रखी है तो? और बनो फन्ने खा. What does that have to do with campers? What happened to the... ghost वगैरह. वो सोशल मीडिया वो चेक करना चाहते होंगे, वो सेल्फी लेना चाहते होंगे गोस्ट वगैरह के साथ. Glad to be of service. Badass बने? Glad to be of service बोलते हैं. Anyways, thanks for staying vigilant. I gotta contact the authorities so they can take care of this commotion first thing in the morning. We can't tolerate these goons anymore. Sure. If they find them, I'll personally make sure they never set foot in this forest again. Keep me updated. Will do. Over and out. ये था थोड़ा professionalism. Alright, अभी क्या करना है फिर मेरे को? Chill कर रहे हैं हम, सो जाते हैं. I was too hungry to go to bed without food. Okay. अरे वाह, ये कायला कौन है? अबे what? Okay, ये क्या? अच्छा. Pizza, pasta, bake बनाते हैं. Uncooked pasta, mariana sauce. कहाँ मिलेगा कहाँ ये सब? यहीं पे ही है? हाँ. Macaroni है तो. Mariana sauce, pepperoni, mozzarella cheese, diced tomato. Yeah. At this point, I was starving. तो ऐसे? या मुझे लगा ही था. सॉस कहाँ पे है? ये बैग लाया हूँ मैं, इसका कोई फायदा भी है? इधर मरियाना सॉस प्लीज. यस, ये लगाओ. सॉरी डाल दी भाई, इसे फेंको. ये नहीं चाहिए. ये क्या? क्रिस्पी पोटैटो पॉप्स. पेपरोनी चाहिए मेरे को. ये रही ये बात. मोजरेला चीज एंड डाइस्ड टमेटो. मोजरेला चीज नहीं. मैं चीज कहाँ है भाई? है मैं तो. मोजरेला यही है ना? आई थिंक यस. एंड टमेटो कहाँ पे है? यस yes. चलो भाई, अब अच्छे बच्चों की तरह अंदर फेंको इन्हें. ओके, मे बी नहीं, अंदर नहीं रख सकता. गंद बचा दिया भाई, बंद करो. ओके सब बढ़िया. बेक एट 420 डिग्रीज, बेक फॉर 35-40 मिनट्स. 420 डिग्रीज रखो फिर इसे. ये रख क्यों नहीं रहा है? ये क्या? अच्छा, ये बड़ा है. यस, व्हाट इज इट? गुड जॉब. ओके, that's the duty I chose. I don't see your name here. Did you report for the night yet? I was just getting into it. Better get to it. They didn't sound to be in a very good mood today. You got it. Tell you what, I think I'm gonna hit the sack now. I know it's been a tough day, but you're doing an excellent job up there. My pleasure. Abe. Tower 12, signing off. Over and out. Over and out. Arre wah bhai. चलो पहले नोट ले आते हैं. आज का अपना चल रहा है 18. गॉट इट. विंडी है क्या? नहीं, क्लाउडी है भाई आज तो, मेरे को लग रहा है. और टेम्परेचर है हमारा 49.4. कर देते हैं 49.4, 18, क्लाउड 0 एंड देन जैक. ये बेटा प्रोफेशनल हो गए अब हम. ये बन गया, गिव मी दैट. खाते हैं बैठ के आराम से बिना टीवी के. हाँ, बोरिंग हो जाता होगा सिचुएशन. टीवी है ही नहीं, फोन मोन सर्विस ही नहीं है फोन में. बोरिंग लाइफ चुनी है. नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहता था तू. इतना बड़ा भाई तू सारा खा लेगा. सही है,
वॉकिंग भी तो करनी पड़ती है इन लोगों को. आई वॉज ऑलरेडी फुल, मुझे लगा ही था इतना कैसे खा लेगा तू. तो इसे यहीं पर रख दे फिर. चलो भाई सो जाओ. आई कुड हैव केप्ट इट इन द ओके. पीनी थी ये कोक मेरे को, मैंने ली क्यों ये, फेंको इसे. लाइट करो बंद एंड वी आर स्लीपिंग. ओह शिट वुड स्टोव फक यू यार. फिर ये मेरे को वहां भेज रहे हैं. चलो भाई जॉब है अपनी, जाना तो पड़ेगा. अब मेरे को दोबारा एक स्मोक दिखेगा राइट, ऐसा ही होता है गेम्स में. यार बेयर स्प्रे लाना चाहिए मेरे को. नहीं वैसे तो यहाँ पे बेयर है नहीं, पर फिर भी जस्ट. और नहीं फिर मैं वुड कैसे लाऊंगा, बात तो वही है. डरते वरते नहीं है हम. अबे यार शॉटगन होनी चाहिए थी भाई. भागो भागो, मत देखो इधर उधर, आवाज आए मत चेक करो, सीधा ऊपर भागो. सेफ, बढ़िया, ओके नाइस. क्लच कर दिया हमने. हाँ भाई कमरे में आगे इतना अच्छा फील होता है सही बताऊं. चलो भाई फेंको इसे. चलो भाई ओके, टाइम टू स्लीप. आई ऑलवेज क्लोज द बोर्ड्स आउटसाइड बिफोर. ओ भाई तेरे भी चोचले ही गड़े हैं यार. डन. कोई स्मोक नहीं. ओके अभी तक हम जिंदा हैं. 2:27 AM. I was woken by some feeling that caused my eyes to drift open. Okay, kya hua? Oh, whoa. There was something very strange about that night. Bhai, koi khada tha yahan pe. Koi to pakka chal raha hai bahar, bhai. Ooh! कौन है भाई? गेट तो हम खोलने वाले नहीं. हेलो, जाना है क्या मेरे को बाहर? आई फेल्ट अ प्रेजेंस आउटसाइड. तो फिर क्या करना चाहिए? बाहर जाना चाहिए क्या? ओ ओ डरावना भाई ये तो. अबे यार ये वही मूवमेंट आ गई जब मेरे को दिल कैडा करना पड़ेगा दोबारा. अच्छा ठीक है. ओ भाई ये क्या है, चला गया हो ये सब लगा के. आई डिडंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट एट द मोमेंट. द ओनली लॉजिकल थिंग आई कुड डू वाज टू कॉन्टैक्ट कॉर्नर. ओके मैं तो चिल्ला के जाने वाला था बाहर. कॉर्नर डू यू कॉपी, आई नीड टू टॉक टू यू, इट्स अर्जेंट. यू देयर? देयर इज समथिंग आउटसाइड माई डोर, देयर इज समथिंग एरी अबाउट दिस प्लेस. मेंशन द स्कल. I don't think these are kids messing around. These kids can be pretty creative with these pranks. Watch too many horror movies. Maybe they thought it would be funny. तेरे को क्यों लगता है 3 बजे kids आएंगे? यार ये थोड़ा सा dumb है क्या? This feels like some real ritual. This is serious. You don't understand, do you? Not get carried away, new guy. We're in the middle of nowhere. All right. Here's what we'll do. I'll send someone to check in on you tomorrow. For now, just lock your door, take a deep breath, and try to get some rest. जिस हिसाब से इसकी हरकतें हैं ना, ये बेटा तू सैक्रिफाइस होगा पहला, तू इनका सैक्रिफाइस बनेगा. मैं बता रहा हूँ अभी. ट्राई टू गेट सम स्लीप जैक, ओवर एंड आउट. कॉर्नर डिडंट मेक एनी सेंस. भाई लॉक तो है ही डोर्स, बट देयर इज नॉट मच एल्स आई कुड हैव डन इन द डार्क. देयर इज नथिंग वी कैन डू. सो जाओ. हाइड का ऑप्शन भी आ रहा था भाई. Next day I woke up not being so sure if last night was real or just a dream. Connor tried to reason it as a harmless prank by some kids. But there's something about that night that just felt darker. There is something strange happening in those woods. तो कोई cult वगैरह है क्या? ये sacrifice वगैरह करते हैं? ये वो campers हैं. Ooh, हम रात को आ गए क्या? कहाँ देख रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है. I occupied densities of trees around here. Okay. LMB to clean. भाई ना? ओ अच्छा ऐसे क्या हल्ला भाई. हो गया भाई साफ.
Oh! Flair! What is happening? कौन है वहाँ? कॉर्नर को बताओ, जल्दी कॉर्नर को बताओ। अबे ये कॉर्नर ही तो नहीं था, उधर टावर उसका उधर ही है, नहीं उधर है। I am here, tera hero. I hear you loud and clear. Thank goodness. I'm lost and I'm really starting to freak out. Take a deep breath. Okay. What's the situation? I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. Maine bola tha. Maine to nahi bola na. Galti kiski? Teri. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. Maine bola tha. मैं तो ऐसी जॉब बिल्कुल ना कर पाऊँ। अब मैंने बोलता हूँ और रिश्ते से करा ले अपनी वहाँ जाके। मैं क्या करूँ फिर? मैंने बोला था, कैन यू डिस्क्राइब योर क्लोदिंग, व्हाट इज योर करंट लोकेशन, व्हाट इक्विपमेंट्स डू यू हैव विद यू। आई मीन करंट लोकेशन तो उसे पता ही नहीं है ना, व्हाट इक्विपमेंट्स डू यू हैव विद यू, ये अच्छा क्वेश्चन होगा। ओके, कंपास, फुली चार्ज टू वे रेडियो, a flare gun and my camping equipment. तो flare gun उसकी चली है फिर। What is your current location? Can you describe your clothing? I'm wearing a red jacket, camo pants and a green backpack. Red jacket, camo pants and a green backpack. I'm in the middle of the woods on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. I thought shooting a few flare gun shots might get someone's attention, but no one's come yet. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. सही बात है, फ्लेयर गन तो और डरावनी कर देगी सिचुएशन। कैन यू डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स, डू यू रिमेंबर एनी लैंडमार्क्स, व्हाट डायरेक्शन आर यू फेसिंग राइट नाउ? आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट राइट नाउ बिकॉज़ आई रिमेंबर वॉकिंग ईस्ट व्हेन आई केम हियर। डू यू रिमेंबर एनी लैंडमार्क्स? आई रिमेंबर पासिंग अ स्मॉल स्ट्रीम अर्लियर। ओह थैंक गुडनेस, आई सी इट। सी व्हाट? आई एम एट अ ट्रेल इंटरसेक्शन नाउ बट आई कांट रिमेंबर इफ आई शुड टेक द राइट ट्रेल और द लेफ्ट टू गेट बैक टू द ट्रेल हेड। Let me scan the map and get back to you. What? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail, आवाज आ रही है, or the left trail. ये west जा रहा है ना? कैसे? I mean, what? ये वाला map की बात हो रही है ना? Trail map. ये west जा रहा है ऐसे. कर रहा हूँ भाई, रुक जाना यार, मेरे को समझने तो दे। तो ये लाइक ओल्ड रेडियो टावर, टावर गोल्ड लेक, लेफ्ट बोल दूं मैं इसे? क्योंकि अगर ये वेस्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट आए तो ज्यादा अच्छा है ना, नॉर्थ की साइड नहीं जाना चाहिए इसे। आई डोंट नो ये है कहाँ, चक्कर ये है मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ उसे, क्योंकि मेरे को नहीं पता, इससे पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी कहाँ पे है ये। ऐसा तो नहीं, ये वेस्ट जा रहा है तो ये यहाँ हो सकता है, ये राइट बोलूंगा तो इधर चला जाएगा, लेफ्ट बोलूंगा तो इधर आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे ये लेफ्ट बोल रहा है तो 12 टावर, मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ, लेफ्ट सेफेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे। होप यू रीच बैक टू द ट्रेल हेड सेफली, मेकिंग डिसीजंस इन द डार्क कैन बी चैलेंजिंग। अबे अबे व्हाट डू यू मीन? व्हाट? That's not me. I'm in my tower. What? I see you behind the trees to my right. That's not me. You're freaking me out. What? Who the frick? Hide. 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 आंसर करना है क्या मेरे को डोर को? होली मोली, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग इन देयर? आई हैव बीन नोकिंग फॉर आवर्स, आई वाज आस्क्ड टू चेक इन ऑन यू, व्हाट वर यू अप टू पैल? आई वाज असिस्टिंग अ लॉस्ट हाइकर, जस्ट फिनिशिंग अप ऑन रिपोर्ट। नो वरीज पैल, गेट योर टावर सप्लाईज हियर, जस्ट द यूजुअल एसेंशियल्स, हियर यू गो, टेक सप्लाई। अबे कौन था, कौन? मैंने तो देखा भी नहीं। हेलो, कौन है तू? मेरे को दिखा शक्ल। व्हाट वर यू डूइंग देयर लास्ट नाइट?
What do you mean? Up north? Why were you there? I wouldn't screw around over there, pal. I was required to investigate on a campfire smoke. Oh lord, have mercy. Nasty business up there, pal. अबे मैं गेट से बात कर रहा हूँ. ओके तो ये बियर्स वगैरह बोल रहा है पर मुझे पता ही है उसकी बात कर रहा है. नॉट टू मेंशन यू'ड बी क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम हेल्प इफ एनीथिंग हैपेंड. आई हैव गॉट इनफ टू कीप मी ऑक्यूपाइड हियर. एब्सोल्युटली इट्स अ बिजी जॉब. आई हैव बीन हियरिंग यू हैव बीन अ बिट ऑन द एज. एवरीथिंग्स ऑल राइट. जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द न्यू एनवायरनमेंट. ओ लॉर्ड हैव मर्सी. डिड यू टेक अ फोटो ऑफ इट बिफोर क्लीनिंग इट अप? नो आई डिडंट थिंक अबाउट इट. You know it's best if we don't dwell on these things, pal. Besides, we can't do anything without the evidence. Thanks for the supplies. अबे भाई है कौन तू दिखा कौन था? आ यही बंदा है. भाई ये ब्लैक कलर की ड्रेस क्यों दिख रही थी फिर ये इसमें से? ये तो बड़ा डरावना है. काहे के सप्लाईज दिए इसने मेरे को? हाइकर का क्या हुआ और मर गया क्या वो? एक मिनट, ट्रेल हेड बोला यार उसने. मैं समझा नहीं क्या इतने ये मैप कितना कंफ्यूजिंग है. मैं नया बंदा हूँ भाई. ट्रेल हेड क्या मतलब ट्रेल हेड का? अगर ये वेस्ट की साइड आ रहा है ऐसे, ये ट्रेल्स है ना, ये कहीं भी हो अगर मैं इसे लेफ्ट बोलूंगा तो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन पे पहुंच जाएगा. लेफ्ट मतलब साउथ साइड आएगा फिर ये. भाई पता नहीं क्या हुआ, जिंदा बचा वो? पता नहीं, नो आइडिया. आई वॉज टू हंग्री टू गो टू बेड विदाउट फूड. ओके ऐसे ही खा लेगा ठंडा ही. यार फोटो लेनी चाहिए थी, सही बोल रहा है वो. मेरे को फोटो लेनी चाहिए सारी चीजों की ना. ओ इस बार इसने इसमें रख दिया. ओ यार रिपोर्टिंग तो करूं मैं? मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी अभी तक. 26 विंडी है आज का मौसम तो भाई. 56.7 विंड 1 नहीं या मैं 0 ही लिखूंगा. वो मर गया बैस के वो हाइकर और मेरे पे ब्लेम आ जाएगा. झूठा 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 रखो, अपना रिकॉर्ड क्लियर रखो. मर्डर पे आ जाऊंगा मैं, मैंने गलत बता दिया उसे. चलो भाई मेरे को इनाम मिले ना मिले कोई ना, दिल से खुशी हो गई कि मैंने हाइकर को हेल्प करी और वो मर गया तो मेरे पे फिर ब्लेम भी नहीं आएगा. करप्ट ऑफिसर हूं मैं, ठीक है, करप्ट हूं मैं. अपने आप का सेव रखो यार, वो हाइकर ने कंफ्यूज कर दिया मुझे. एक तो अच्छी तरह उसे बताना नहीं आ रहा, वैसे उसने इन्फॉर्मेशन अच्छी दी थी भाई सारी, एकदम क्लीन कट. चलो भाई धोए बर्तन वर्तन, फेंको ना छोड़ो. चलो भाई लाइट बंद करो, सो जाओ. इट वॉज गेटिंग कोल्ड. अबे ये वुड स्टोव की रोज का ही ड्रामा है. चलो भाई जाना तो है, कोई स्मोक नहीं कुछ नहीं ना, वी आर चिलिंग. ये जो सीटी वाली सिचुएशन है ना यार, ये डरावनी है थोड़ी भाई. आज भी कुछ होगा क्या? भागो. हो भाई डरा दिया भाई. मैं तो जल्दी भागने वाला था. कौन है तू ड्रामे? आई अंडरस्टैंड लोनलीनेस कैन मेक द माइंड प्ले ट्रिक्स ऑन यू. व्हाट्स योर नेम? हु आर यू? नो नीड टू बी अलार्म्ड, आई एम अ वर्कर. आई वाज जस्ट डूइंग सम रूटीन मेंटेनेंस ऑन द रेडियो टावर ओवर देयर. थॉट आईड से हाय टू द न्यू गाय एवरीवन्स बीन टॉकिंग अबाउट. हाय बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, तूने मेरे को हार्ट अटैक देना था. नाइस टू मीट यू. डू यू यूजुअली वर्क दिस लेट? एवरी संडे, जस्ट ट्राइंग टू कीप द कम्युनिकेशन लाइंस ओपन. We must ensure that the right message reach the right places. Right, we read the information about fire sighting. I agree, fire risks are high this season. Absolutely. But some fires are meant to burn and no amount of prevention can stop them. What do you mean? Nature has its own plans. Some things can't be controlled no matter how hard we try. And sometimes disasters are just another form of cleansing, a way for the land to purify itself. Bhai, tu kya bakwas kar raha hai? I should head back to the tower now. It's getting late. I'll see you around, Silas. Have a good night, Jack. Hope you sleep well. But remember, curiosity, farewell, Jack. What? Curiosity wala line nahi padhi maine, dobara bol. Oh fuck. This guy gave out the creepiest vibes. Yehi baja raha hoga CTVT. Ye bol raha hai ki tu na, mujhe lag raha hai cult ke saath hai aur ye bol raha hai tu zyada na kurede mat hamari situation ko. Apna kaam se kaam rakh. Ye dhamki, ye basically warning di hai isne mere ko, dhamki. Apne room mein jao yaar, mujhe to apna room hi pasand hai bhai. Maine ja raha bahar. Galti job le li hai to dukhi kar diya. Aye haaye. चलो भाई सो जाओ, भाई सो जाओ. अब इसे क्या बकवास करनी है? लाइट बंद करके बात करो. दिस इज जैक, लाउड एंड क्लियर. ओह शिट, द गाय मेंटेनिंग दैट नियर बाय रेडियो टावर, द नियर बाय रेडियो टावर वर्कर. ओह ओह ओह. What do you mean?
Then who did I just talk to? Look, if what you're saying is true, it could be another one of those goons playing pranks on you. He knew my name. You know your name? You think he's been listening? Possibly. यार ये वाली इन्होंने बहुत बढ़िया बना रखी है, ये वॉइस जो है ना ये बहुत सही है. वी नीड टू फिगर दिस आउट, इसे गेट हिज इंफॉर्मेशन और टेक अ फोटो. शिट यार, आई फॉरगेट अबाउट द फ्रीकिंग फोटो. नहीं पर लाइक मेरे को आना चाहिए ना वो तो मैसेज तो श्योर. या मी टू. गुड नाइट एंड ओवर एंड आउट. अरे हाँ, कैमरा मेरे पास थोड़ी है भाई. ओ भाई ले आग लगा दी. मेरे पास तो कैम लाइक ये ऑप्शन देंगे मेरे को? हराम जादू फिर फोटो फोटो क्यों कर रहे हो तुम? मेरे पास अगर कैमरा इन्वेंटरी में होता ना तो मेरे को हमेशा याद रहता इन चीजों का फोटो लेने का. इन्वेंटरी में नहीं है ना वो, मेरे को अपने आप ऑप्शन देंगे ये तभी तो. ये डाउन कर देता हूँ भाई मैं, अब सोने का टाइम है. क्योंकि सोने की कोशिश करूंगा ये फिर भी बोलेगा कि ये डाउन करने पड़ेंगे हमें. ऑलराइट यार, ये वाला एपिसोड तो बड़ा जबरदस्त है, काफी क्रीपी है ये तो. इतने सारे ऑप्शन, इतनी बड़ी स्टोरी, मजा आ रहा है. ऑलराइट लेट्स स्लीप. इसे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए जब हर रात को पंगे हो रहे हैं तो. माई अनईज वॉज स्टार्टिंग टू ग्रो विद ईच पासिंग डे. सो वैन आई साइंड ऑफ दैट नाइट आई टोल्ड माई सेल्फ दैट इट वॉज जस्ट अ चेंज ऑफ एनवायरमेंट दैट आई नीडेड गेटिंग यूज टू. द स्ट्रेंजरेस्ट आई हैड सीन सो फार इन दोज वुड्स वॉज नॉट इनफ टू कॉज एन अलार्म येट. हाउएवर दैट वुड सून चेंज. टू नाइट्स लेटर. ओके, दो नाइट आराम से मक्खन गई है फिर तेरी भाई. श्योर. Thanks for letting me know. Okay, update तो करना मुझे आता है, यहाँ पे है ना. Update. What? अबे fuck off! ये क्या smiley भाई? मैं लिख क्यों नहीं पा रहा? Oh, मैंने उसपे click कर दिया था इसीलिए. Update. Please enter the update package code. What is the package code? Wait, help. Install system update with package code. Close the console. Available. CHKUPD. CHKUPD. Package code is this. 4th. Okay, update. 4346084. Package found, looking for this. Please enter an active line. What? 1045 5987. Line not available. Badiya. 5487. Yeah. Your system is now up. Whoa. Aram se. Kya hua? Oh yeah, refueling, huh? बेटा सही है बेटा, ये गेम इतने इस तरीके से बनाते हैं आराम खोर. अब मेरे को रिफ्यूल करना होगा जनरेटर को जाके और फिर से ये जंप स्केयर देंगे कोई. या वो बंद हो गया ना वहाँ पे. सिलास आज भी मिलेगा मेरे को? अबे सिलास आराम खोर. जनरेटर रैन आउट ऑफ गैस ऑब्वियसली. मैं तो अपने काम से काम रखूंगा भाई. सिलास अपनी एस तेसी कराए. सिलास तो नहीं है आसपास? चल गया भाई. भागो भाई, सीधा ऊपर भागो भाई. आई रियली हैड टू पी बिफोर गोइंग बैक अप. अबे स्कीम क्या डम बंदा है ये भाई. चलो ये क्यों आ रहा है? समझा नहीं मैं. व्हाट? Maybe ये बाद में हाइडिंग के लिए है. ये मेरे को ना एक वो दे रहे हैं कि तू यहाँ पे छुप सकता है. ये एक आइडिया दिया है इन्होंने, समझा? मतलब वही कह रहा, मैंने कहा कोई आवा आ गया दिखे. One week later, तो मेरे पास दो छुपने की जगहें हैं. Time was flying by. Connor's generator was under maintenance, which meant I had to cover his area for the past 2 days. When there was no fire going, the only thing I'd do is check in on Connor twice a day. That might have been the only time I ever talked, unless I was talking to myself. Okay. क्या? कौन कैंपर मर गया दोबारा? व्हाट हैपेंड? Shh.
श्योर, लेट मी हैव अ लुक। मेरे ही आसपास अपनी एस्थेसी क्यों करा रहे हैं ये पता नहीं। कहाँ है मेरा बायोनोक्यूलर? वो आराम से भाई, डरा दिया भाई। मेरे को कैमरा तो दो तुम। ओके, कोई खड़ा तो नहीं बाहर? वी आर सेफ। कहाँ पे है स्मोक? ओ अच्छा, हाँ उसकी लाइट बंद होते देखा। अच्छा वो मेरा ही है क्या? कैंपिंग कर रहे वो? ओ बेटे भूत, कल्ट चल रहा है पूरा। आई डिडंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। ओनली थिंग दैट मेड सेंस एट द टाइम वाज टू टेक एविडेंस ऑफ इट। ओके, स्पेस टू टेक फोटो। अबे इतनी दूर से क्या अच्छी ओ जूम। ओ भाई साहब, कौन सा फोन है, कौन सा कैमरा है? हाँ कैसे फ्लैश देख लिया उन्होंने? ओ शिट, नीचे जाओ। ओ नीचे नहीं जा सकता मैं, बहुत बढ़िया। बे आ रहे हैं वो, बहुत जल्दी आ लिए। तू उन्हें देख क्यों रहा है फिर ड्रामे? चुप चुपो। आंदो चले गए क्या वो? बढ़िया भाई, मैं तो कह रहा था नीचे से पैर पकड़ लेता उसके। कॉनर को बताओ ये बात। अबे हाँ, कॉनर तो सो गया ना भाई, बड़ा लफड़ा ही है भाई, सो जाओ। ओ हाइडी हो रहे हैं हम अभी भी, तो बाहर जाना चाहिए मेरे को। देखे तो सही जाके सीन क्या है। लॉक तो उन्होंने तोड़ ही दिया मेरे इसका। गाने और चला दूं, आ जाएगा दोबारा वो। ये मेरी सांस की आवाज है क्या? ओ भाई कोई सांस ले रहा है यहां पे? नहीं, ऑब्वियसली कोई हिल रहा है यहां पे। व्हाट, व्हाट डू यू मीन? आ समझा, क्योंकि उधर से वो ऐसे कूदेगा नहीं तो मेरे को अब नीचे जाके छुपना पड़ेगा। अरे ये तो यार मैंने तो फ्यूचर देख लिया। देखो ऐसा ही होगा, मैं बताता हूँ। अबे उधर से देखेगा मेरे को। अबे ड्रामे, मेरे को पता था ऐसा ही होगा। ओ भाई आ रहा, भागा भागा बहुत तेजी नाल वो तो। चुप गया। ये मेरे को पता था ऐसा ही होगा। मैं वही कह रहा यार, मुझे सांस आ रही है, सांस ले रहा है कोई वहां पे। मैं पास जाऊं तो तेज हो जाए। तो ये तो लेकिन बहुत तेज भाग के आया है। मैं इतने में छुपने का टाइम कैसे मिलेगा मेरे को? मैं दोबारा उसके नीचे छुप जाऊं? इन लोगों ने इतनी दूर से फ्लैश देख कैसे लिया भाई? खैर रात को चमकता होगा मे भी। अब फ्लैश बंद करके फोटो की। हाँ फिर वही है, इतनी अच्छा कैमरा है भी कैसे तेरा? देख लिया भाई। भागो भाई, इतनी जल्दी कैसे है? ये इन्होंने बंदे लगा रखे होंगे यहाँ पे मे भी। अब वो यहाँ खड़ा हो गया ये रहा। सो कंप्यूटर पे मैं बैठ नहीं सकता? नहीं बैठ सकता हूँ। अरे वाह, चलाओ भाई कंप्यूटर चलाओ। गेम खेलते हैं। मेरा मर्डरर्स बगल में बैठा है, हम गेम खेलते हैं आराम से। सोचते हैं फिर क्या कर सकते हैं हम ना, क्योंकि वो उधर से ऐसे पूरा घूम के इतनी जल्दी आ कैसे जाता? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं दोबारा यहीं पे छुपूं? क्योंकि नीचे तो भाग ही नहीं पाऊंगा मैं। ओ ड्रामे, देखा नहीं क्या उसने अभी तक? उस बंदे ने देखा ही नहीं अभी तक मुझे। ओके
ओके सेफ है हम भाई, खांसी आ रही थी मेरे को सुन लेता मेरी माइक की आवाज, वो कहाँ गया वो ड्रामा, अभी भी यहीं घूम रहा है, देखूं जरा, लग तो नहीं रहा भाई। हेलो हेलो, तो मेरी आवाज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब जा चुका वो, व्हाट शुड आई डू, कौन यार हेल्प मी। ये आराम ज्यादा कॉर्नर तो सो गया, क्या करना चाहिए भाई, हम बाहर जाऊं मैं, ओके ये टॉर्च ले ले, ऐसा करते हैं, और ना मैं बताऊं बेयर स्प्रे ले लेते हैं भाई, ये बेयर स्प्रे मेरे को उसके आंखों में देके मारना चाहिए था यार, मैं डर क्यों रहा हूं, उसके पास चाकू वाकू है क्या, भागे क्या नीचे, अब लेट्स गो, वो रहा वो, शिट शिट, छुपो, ओ माय गॉड, हेलो फट्टू, भगोड़े, ओ भगोड़े यार, मेरे को स्प्रे मार के देखना चाहिए उस पे, नहीं ऐसे इसकी माँ की, डरते हम, इधर आइयो रे, फनेगा बनेगा, हो क्यों नहीं रहा इसे कुछ, हेलो मैं उधर जा नहीं पा रहा, इसकी उसे कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, क्या कर क्या रहा है वो, हेलो हेलो, मेरा ये माइक अभी भी क्यों आ रहा है, और हेलो हेलो, ग्लिच हो गई गेम मेरे करेज ने गेम को कंफ्यूज कर दिया कि ये बंदा तो भाई बहुत डेरिंग है, सो हम करें क्या फिर अब, हाँ अभी चला गया ना वो, अब जा सकता हूं मैं उसके पास, नहीं है? आ जाओ आया, ओ सो उन्होंने मुझे स्प्रे ही चलाने नहीं दिया, ओके हम फाइट बैक नहीं कर सकते, हमें स्मार्ट रहना होगा, ऐसा लग रहा था मैं चीट मोड में चला गया था जब मैं उसके सामने ऐसे घूम रहा था बढ़िया था वो, अब वो क्लियरली वहां पे है राइट, हम वहां जा नहीं सकते, हमें ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं, आई गेस मेरे को भागना है यहाँ से, और कोई चारा तो दिख नहीं रहा मुझे, मेरे पास बेयर स्प्रे होना चाहिए था पर गड़बड़ कर दी मैंने बाघों पर, हाँ आई गेस हम उस शॉटगन वाले बंदे के पास जा रहे हैं, वो यस बिल्ली मेरे भाई बचा मुझे यार, इट वॉज लॉक्ड, नाइस, ओ शिट भागो, आरवी लो, कितना स्लो है इस बंदा है, बंद एज एड्रेनलिन किक्ड इन आई हिट द गैस एंड ड्रोव टू द नियरेस्ट रेंजर कैबिन, आउट ऑफ ब्रेथ आई रेडियोड इन द अलर्ट टू द एचक्यू, लुक जैक वी ऑल गेट अ लिटिल स्टर क्रेजी आउट हियर, मिच आंसर्ड, नेक्स्ट मॉर्निंग अथॉरिटीज एलिजिबिलिटी रैन अ स्मॉल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एरिया बट ऑफ कोर्स दे मेट विद नो साइन ऑफ मिसकंडक्ट, नो वन एवर बिलीव्ड माई स्टोरी डिसमिसिंग इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ आइसोलेशन, जस्ट स्टिक टू लुकिंग आउट फॉर फायर्स, मिच ऑफर्ड, हाउएवर दैट वाज द लास्ट टाइम आई एवर सेट माई फुट इन दोज वुड्स, द अनईज स्टिल सिट्स हैवी इन माई स्टमक, इवन दो मेनी ईयर्स हैव पास्ड द एक्सपीरियंस स्टिल फील्स विविड इन माई मेमोरी, My family thought I was making the whole thing up, which is really out of my character, but I know what I saw. Real or not, after dark, those woods can become a haven for illegal activities. So if any of you plan on going camping soon, please be safe. No, bhai, sare baavle na hote. Koi na ja raha raat ko camping karne. बढ़िया थी ये स्टोरी यार, मजा आया, काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी क्रीपी थी. कमाल की बात ये जंप स्केयर्स नॉर्मल लोगों के थे, और जो रियल हॉरर था वो ये था, ऐसे भगता हुआ एक आदमी बढ़िया था भाई, ये भाई ये कल्ट वल्ट ही होगा कोई छुपा हुआ, यार पता है ये सही रहता है कि गोस्ट वोस्ट नहीं है, ये एक्चुअल रियल स्टोरीज हैं, गोस्ट की हॉरर्स भी अच्छी हैं, पर ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है ऐसी वाली स्टोरीज,
एंड आई थिंक ये फोर्थ एपिसोड लास्ट एपिसोड था फियर्स टू फैदम में. अभी आगे आने वाले एपिसोड जब भी आएंगे उन्हें तब खेलेंगे. मजा आया. और एज ऑलवेज मुझे बताना कमेंट्स में मैंने क्या डिटेल्स मिस करी, कौन से सीन्स मैंने मिस करे, और क्या और कोई जंप स्केयर्स मिल सकता था मुझे, क्या मैं कुछ और कर सकता था, क्या इसमें बियर स्प्रे है, क्या मेरे को यू नो बियर से मुलाकात होती, क्योंकि मैं उसका वेट कर रहा था, आया ही नहीं वो, या फिर मैं लेक की तरफ जाता ना मे बी तब, आई डोंट नो. Anyways, that's it for today's episode. I hope you guys enjoyed. Definitely subscribe the channel agar aisi videos aur dekhna pasand hai to. Aur main chala. Goodbye.